अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं द यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में। 18 चैप्टर है बच्चों, ये आपका फिफ्थ क्लास का। द यूरोपियन वेंट टू एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्रीज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर द गुड मेड इन देयर कंट्री। ठीक है, जो यूरोपियन थे वो एशियन, यहाँ अफ्रीका है, अमेरिका है, कंट्रीज में वो इसलिए गए ताकि वो अपना जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो मटेरियल है, माल है, फॉर देयर फैक्ट्रीज, उसके लिए प्राप्त कर सके अपनी फैक्ट्रीज के लिए, ताकि वो जो मार्केट में चीजों के लिए जो कि भारत में बनी हुई होती थी। तो दे एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। द यूरोपियन फॉट अमंग देमसेल्व्स, जो यूरोपियन थे वो एक दूसरे से लड़े, टू गेन मोर कंट्रोल एंड बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाने के लिए वो लोग एक दूसरे से लड़े। तो दिस वॉज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, यही मेन कारण था। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में जो कि हुआ था। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड विद द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान इन 1945। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो खत्म हुआ किसके साथ, जो कि एटम बम गिराया गया था जापान के द्वारा, किसके द्वारा गिराया गया था, नागासाकी, जापान की जो कंट्री थी, जापान के जो स्टेट था, नागासाकी एंड हिरोशिमा पर गिराया गया था जो कि, तो उससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल्स वर किल्ड, लगभग लाखों लोग जो थे उसमें मारे गए थे ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वार। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड फील दैट, बहुत सारे जो लीडर्स थे, नेता हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने संसार में ये महसूस किया कि वॉर इज अ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का युद्ध जो है वो समाधान नहीं है। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉन्टेड टू लिव इन पीस, जो राष्ट्र है संसार के वो क्या करना चाहते थे, वो शांति से रहना चाहते थे। तो सो दैट, ताकि दे कैन प्रॉस्पर, ताकि वो समृद्ध हो सके और फल फूल सके। तो द वर्ल्ड वॉन्टेड टू फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने संसार को एक संगठन के रूप में गठित किया, विच कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ताकि जो वो देश है एक दूसरे देशों की समस्या को अच्छे से बैठ के सब लोग, सारे देश के जो जितने प्रतिनिधि हैं वो सब सुलझा पाए। सो दैट वॉर कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर, ताकि जो वॉर है, युद्ध है, कि फ्यूचर में, भविष्य में इसको अवॉइड किया जाए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के दौरान, द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट वॉर इन फ्यूचर, सबसे पहले ये किया गया कि वॉर को कैसे रोका जाए। ठीक है, बट इट फेल, लेकिन वो जो था वो फेल हो गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 1913 to 1945, विच लास्टेड फॉर 6 years, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945। This name was first used by Franklin D. Roosevelt. ये जो नाम है वो Franklin D. Roosevelt ने दिया था United Nation को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि फॉर्म में आई थी 1945 में। Then the President of USA, the जो कि उस टाइम पे प्रेजिडेंट थे USA के, the Charter of the United Nation Organization, UNO जिसे कहते हैं, वो signed by 50 nation, ये साइन किया गया था 50 देशों के द्वारा ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को USA में साइन किया गया था। द UNO आफ्टर 1950 हैज कम टू बी नोन एज यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है और उसके अस्तित्व में आया। द यूनाइटेड नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में 24 अक्टूबर जो है वो यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। टुडे द टोटल मेंबर ऑफ यूएनए आर 193, 193 जो है देश इसमें शामिल है यूएन में। द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज, जो भी शांति जो प्राप्ति के लिए जो भी देश हैं वो सब इसमें जो है इन्वॉल्व है। एंड
द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो कहाँ पर है बच्चों, न्यूयॉर्क में है। द यूनाइटेड नेशन हैज सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पैनिश, चाइनीज एंड अरबिक। द यूएन एंड हैज इट्स ऑन फ्लैग, यूएन का अपना खुद का एक फ्लैग है एंड एम्बल जो कि लाइट ब्लू कलर में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आपको द यूएन एम्बल्स इसका ये जो है लोगो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपको Identify the country from their flags and write their names of the blanket. ये बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है कि ये जो है ध्वज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये तो आपको सबको पता होगा बच्चों, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है ना, हमारे देश का तिरंगा है ये, है ना। तो ये इन कंट्रीज के भी नाम आपको नीचे लिखने हैं और प्लस में आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।